नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। इसे आप स्कार्फ में, शॉल में, स्टॉल में, स्कार्फ में, मफलर में, चाहे किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और शेष सभी फंदे हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा और सीधा बुन लिया। एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा और सीधा बुन लिया। तो इसी तरह हम दो बार ऊन लपेटते हुए सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो हमने डबल फोल्ड करते हुए सभी फंदे सीधे बुन लिए और हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो दूसरी लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे। सीधा बुना और खुल लिया, सीधा बुना और देखिए फंदा हमारा खुल गया, सीधा बुना और खोल लिया। हम सभी फंदों को सीधा बुनते जाएंगे, सीधा बुनते जाएंगे तो ये खुलता चला जाएगा। तो सभी फंदों को हम सीधा बुनते चले जाएंगे। ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनके तैयार होता है और देखिए कितना खूबसूरत है। सीधा बुनते जाएंगे और फंदे अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो हम सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट की। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, शेष सभी फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। दो बार ऊन लपेटा और सीधा बुन लिया, दो बार ऊन लपेटा और सीधा बुन लिया। सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। हमें दोनों साइड से सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। पहली लाइन में डबल फोल्ड करके सीधा बुनना है और दूसरी लाइन में हम सीधा बुनेंगे, फंदे अपने आप खुलते चले जाएंगे। बनाने में आसान और देखिए ये इतने बड़े बड़े लूप बन रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अब हम चाहें तो अपने तीसरे कलर को भी लगा सकते हैं। तो ये डिजाइन हम चाहें एक कलर में, दो कलर में, मल्टी कलर में बचे हुए ऊन का उपयोग करते हुए कैसे भी बनाएंगे, ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मैं डिजाइन आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे मैंने बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए बनाया है और यहाँ पे मैंने सिंगल कलर में इसे बनाया है। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा।
दोनों साइड से ये एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।